Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। तो बच्चों की अब यही डिमांड है कि जो भी हो किसी तरह से जल्द हो जाए, बट इसमें मैं बच्चों को भी अब यही बोलूंगा कि वी हैव टू बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम और एक प्रोसेस है उससे ही चल रहे हैं, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर एजुकेशन मिनिस्ट्री मैन एवरीवन कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक तरह से इसको सॉल्व करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हैं कि समय बहुत है। देखिए बच्चे इस चीज़ से बड़े खुश हो रहे हैं कि जो चीज़ें अब आ रही हैं, पहले ग्रेस नंबर हटा दिया गया, फिर कहीं ना कहीं आप देखो चाहे वो पटना पुलिस हो गई चाहे गुजरात पुलिस हो गए, उन्होंने भी एक स्ट्रांग स्टैंड रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं दिख रहा बच्चों को कि मैटर दबाया जा रहा है। गुजरात पुलिस भी कह रही है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं पेपर लीक के, या जो भी तुषार भट्ट हैं जो पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों का, पटना पुलिस पेपर लीक के, तो चल रही है चीज़ें, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच शुड गो फॉर मंथ्स। ये ऐसी चीजें जो 7 दिन के अंदर जिसमें रिजल्ट चाहिए होगा, एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हमारा कंट्री इस चीज के लिए केपेबल है, हम डॉक्टर बना रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हम जुगाड़ू डॉक्टर बनाने वाले हैं या पढ़ाकू डॉक्टर बनाने वाले हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन हुआ है क्या? वो इस तरह के भी सवाल उठने लगे हैं कि अभी तक बताया नहीं गया कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि फेस मास्क। देखिए अब ये मेरे ख्याल से एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन जितने प्राइवेट हैं, तो जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे उनको मेल गए हैं कि सो एंड सो आपका ये एनरोलमेंट नंबर है, आपके ग्रेस नंबर थे कि अब आप फिर से रजिस्टर करिए इस एग्जाम के लिए। एक मेल मैंने उसमें से देखा है, तो फिर से रजिस्टर करिए एग्जाम के लिए, और अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल स्कोर था उसको कंसिडर कर लेंगे और आपका ग्रेस हटा देंगे। तो उन बच्चों को तो कम्युनिकेट हो गया है। एक जो डिस्परेंसी अभी भी है जो बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल है जिसलिए बच्चे परेशान हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमें या तो लिस्ट दिखा दीजिए आप एक बार कि नंबर 1563 था, या कोई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने जो इस चीज़ की जांच करके बच्चों को अश्योर करे कि एक्चुअली 4 स्टेट से 1563 नंबर ही था। क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए ने अपनी ही एक कमेटी बनाई और उसने बोला ग्रेस नंबर को हम पूरी तरह से हटा देते हैं, तो बच्चों के मन में एक ये भी अब एक डाउट पैदा हो गया है कि अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की थी तो उसको आप तुरंत हटा क्यों रहे हो, और वो नंबर की क्या श्योरिटी? आप ही की कमेटी बोल रही 1563। एक बार आपने बोला ना कि 1563 बच्चों का ग्रेस हम हटा रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि अंदर कितने बच्चे हैं, क्या आप सबका हटाएंगे नहीं हटाएंगे? तो नंबर को लेकर क्रेडिबिलिटी वाला जो सवाल है वो बच्चों के मन में है। तो अभी भी बच्चे यही चाह रहे हैं कि या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई बॉडी बना के इनकी जाँच कर दे, तो बच्चे कहीं ना कहीं जाँच की अभी भी डिमांड कर रहे हैं। होपफुल तो हुए हैं, मतलब पिछले आप देखो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैटर बहुत तेजी से सुप्रीम कोर्ट में पिक हुआ। पहली हियरिंग में आके एनटीए बोलता है कि हम ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, फिर अगली के एक के बाद एक हियरिंग होती है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से डांट तो पड़नी स्टार्ट हो गई है एनटीए को, विच इज नेसेसरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। आज बच्चों का एक वापस विश्वास भी आया है थोड़ा सा कि ठीक है हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो एनटीए को डांट देता है, बच्चों के अंदर एक ये विश्वास पैदा हुआ है। आप देखो कहीं ना कहीं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अब पॉजिटिव चीजें बोलनी स्टार्ट हो गई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अब ये चीज बोली कि हाँ एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है, चीजें अच्छी हो रही है। प्रॉब्लम जो अभी भी बचा हुआ है, मैं बहुत ही साफ साफ बातें करूंगा, मैं बहुत इसको लपेट के नहीं बोलूंगा कि सुगर कोट करूं, प्रॉब्लम टाइम है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, ठीक है माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बोला कि एनटीए में सुधार, प्रॉब्लम समय की है, समय बहुत तेज भाग रहा है। अभी किसी भी तरह का बच्चा हो चाहे उसके 620 नंबर हो चाहे उसके 700 नंबर हो, दोनों इस टाइम परेशान है कि होगा क्या, कि कल सुबह उठ के मैं क्या नया फैसला देखने वाला हूँ। अब जिसका 700 आ रखा है उसको लग रहा है ऐसा तो नहीं सही में रीनीट हो जाएगा, अब ये डाउट उसके मन में बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो माहौल है तो कह रहा है मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ कि मैं कॉलेज की तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ और क्या पेपर हो जाएगा तो मैं 10 दिन पढ़ूँ। एक बच्चा है जिसके लेटर से 610-620 आए हैं, जो कहीं ना कहीं कह रहा है कि रीनीट करा दो, कुछ कह रहे हैं रीनीट करा दो, कुछ कह रहे हैं कि जांच करा दो, तो वो भी परेशान है। तो टाइम इज एन एनिमी, क्योंकि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जुलाई के फर्स्ट वीक में, 8 जुलाई को अगली डेट लगी है तो वो भी उसके बाद है। तो बच्चों की अब यही डिमांड है कि जो भी हो किसी तरह से जल्द हो जाए, बट इसमें मैं बच्चों को भी अब यही बोलूंगा कि वी हैव टू बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम और एक प्रोसेस है उससे ही चल रहे हैं, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर एजुकेशन मिनिस्ट्री मैन एवरीवन कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक तरह से इसको सॉल्व करें, क्योंकि
कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हैं कि समय बहुत तेज, देखिए बच्चे इस चीज़ से बड़े खुश हो रहे हैं कि जो चीज़ें अब आ रही हैं, पहले ग्रेस नंबर हटा दिया गया, फिर कहीं ना कहीं आप देखो चाहे वो पटना पुलिस हो गई चाहे गुजरात पुलिस हो गए, उन्होंने भी एक स्ट्रांग स्टैंड रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं दिख रहा बच्चों को कि मैटर दबाया जा रहा है। गुजरात पुलिस भी कह रही है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं पेपर लीक के, या जो भी तुषार भट्ट हैं जो पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों का, पटना पुलिस पेपर लीक के, तो चल रही है चीज़ें, बट दिस इज नॉट समथिंग विच शुड गो फॉर मंथ्स। ये ऐसी चीज़ें जो 7 दिन के अंदर जिसमें रिजल्ट चाहिए होगा, एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। हमारा कंट्री इस चीज़ के लिए केपेबल है, हम डॉक्टर बना रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हम जुगाड़ू डॉक्टर बनाने वाले हैं या पढ़ाकू डॉक्टर बनाने वाले हैं, तो वी शुड बी टेकिंग फास्ट ट्रैक डिसीजन। मुद्दा पूरी तरह से स्टूडेंट्स का है, और अब देखिए हर चीज का यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, और हमारे देश में नहीं हर देश में होता है, हर मुद्दे का एक पॉलिटिकल एंगल होता है। मैं कंडेम करता हूँ इसको, आई जस्ट डोंट सपोर्ट इट। हमारा कोई मकसद नहीं है, जैसे आपने कहा मैंने लड़ाई शुरू की, तो क्योंकि नीट जो बच्चा देता है 23 लाख, उसमें से 8 लाख बच्चा पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से 3-4 हजार रुपए देके सस्ते में पढ़ता है, तो सबसे ज्यादा बच्चा हमसे पढ़ता था, सबसे ज्यादा हमसे जुड़ा था। कल बच्चे ने एक अपन न्यूज डिबेट में बैठे थे, वहां बच्चा बोला कि हमें तो नहीं पता ना कैसे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम तो 18 साल के, हमारे पिताजी भी नहीं समझ पाए, तो इसलिए अलग सर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, ये तो बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के मतलब ये तो बच्चों की परेशानी है, तो बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं इसको, पर इसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है दैट इज नॉट गुड। और जो भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा ये कहना है क्या जब किसी और की सरकार थी, किसी और की स्टेट थी, तो क्या चीजें बहुत अच्छे से चलती थी? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और एक कंस्ट्रक्टिव वर्क की जरूरत है। एनडीए जैसी बॉडी है जो 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराती है, इट्स नॉट सो इजी ऑल्सो, लेट्स एग्री टू इट। पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, जो भी चीज होती है स्केल पे होती है, उसके अंदर फ्लॉज हैं, यस प्रूव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट रोज बोल रहा है, एनटीए जाके ग्रेस मार्क्स को डिनाई कर रहा है, उसके ऊपर डाउट्स हैं, यस। क्या हम केपेबल है सॉल्व करने के लिए? यस। तो अभी हमें ऐसा नहीं होना है कि हम होपफुली नहीं है कि ये कर नहीं पाएंगे। क्या हमारी सरकार केपेबल है? बिल्कुल केपेबल है। क्या हमारी एजेंसीज केपेबल है? बिल्कुल केपेबल है। बस एक प्रॉब्लम है, इंटेंट। क्या इंटेंट है? और अगर है तो अब ये समय है कि खुल के वो इंटेंट दिखाएं और 7 दिन के अंदर इसको सॉल्व करें। देखिए ना बच्चे ना हम कोई लड़ना नहीं चाहता, हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम, भाई हम लोग बहुत आम इंसान हैं, सुबह उठते हैं, अपना ब्रश किया, अपना नाश्ता किया, अपनी पढ़ाई की, अपना काम किया, रात को सो गए, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आम इंसान है। तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किसने किसको क्या बोला। उनको एक चीज चाहिए, इंसाफ हो जाए भाई, जो चीजें साफ आ जाए, सामने आ जाए। और मैंने ये भी बोला है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम इस डिसीजन से खुश नहीं है, नहीं एनटीए, नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता किसी का काम है बच्चों को खुश करना, हमें लगता है इन एजेंसीज का काम है ट्रांसपेरेंट रहना और जस्टिस देना, वो चीज हो जाए। आप कभी भी सारे बच्चों को खुश नहीं कर सकते। जिस बच्चे का 100 नंबर 200 नंबर आया है, वो भी रीनीट जब लिख रहा है, तो उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना ना, वो तो सिर्फ नॉइज है जिसके अराउंड बन गई है। जो सीरियस बच्चा परेशान है, मैं आपको गिनती का बता दूं, वो 550 से लेके 650 या 720 भी मान लो, क्योंकि 710 वाला भी परेशान है। तो सीरियस बच्चा जो